सुबह के 4:20 हो रहे हैं। आँख खुल गई है, नींद अब नहीं आ रही है। सोने का दोबारा ट्राई किया लेकिन नींद नहीं आई, तो सोचा कि आसपास ये जो भी मेस बना के मैंने रखा है इसको सही करूं। तो सोचा कि ये वीडियो भी बनाऊं और कुछ बातें भी करूं। पिछले कुछ दिनों से पिछले तीन दिनों से जब से इकोनॉमी का टेस्ट दिया तब से कुछ ठीक ठीक सा नहीं लग रहा है। मेरे बेड के बगल एक चेयर रखी है, चेयर पे मेरे बहुत सारे कपड़े रखे हैं जो कि मैं जहाँ से भी आती ऐसे उतार के रख देती, पता नहीं क्यों। तो आज सुबह मैंने डिसाइड किया कि ओके दैट्स इट। माय ग्रैंडफादर ऑलवेज यूज्ड टू से हमारी बॉडी में दो चीज़ होता है, एक मन एंड एक माइंड, मतलब एक बुद्धि और एक मन, और दोनों अपना अपना काम करने के लिए आपको समय समय से बताते रहेंगे। आपका जो मन होगा वो बोलेगा कि सब कुछ गड़बड़ है, एक काम करो सोते रहो, अरे आराम करो, पढ़ लिख के क्या होगा, बॉडी बना के क्या होगा, जिम जाके क्या होगा, एक्सरसाइज करके क्या होगा, आराम से सो। और एक होगा हमारा दिमाग जो कि हमें सही चीज़ बताएगा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है। और ये जो हमारी बॉडी है इसमें कॉन्स्टेंट ये लड़ाई चलती रहती है। और जब मैं छोटी थी तो वो हमेशा कहते थे कि जब तुम बड़ी होगी और सोचोगी तो तुम्हें पता चलेगा, और हमेशा तुम ट्राई करना कि अपने दिमाग की सुनना, जब तुम दिमाग की सुनोगी तभी तुम कुछ कर पाओगी। तो आज वो बातें मेरे को बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं शायद। और एक बात वो कहती थी, मन तुमसे हमेशा वो करवाएगा जो उसे अच्छा लगता है और दिमाग तुमसे हमेशा वो करवाएगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है। तो अब तुम्हें तय करना है कि तुम क्या चुनोगी। तो मैंने आज मॉर्निंग में मेरी जब आँख खुली तब मैं काफ़ी सोच विचार की और फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस साइकिल से बाहर निकलना होगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अपने आसपास का जो ये मेसी और क्लस्टर मैंने इकट्ठा कर रखा है उसको सही करते हैं। तो फिर मैंने अपने सारे कपड़े एक एक करके फोल्ड किए, अपनी स्टडी टेबल पे रखी सारी बुक को ऑर्गेनाइज किया और अपने रूम में वाइपर से पोंछा लगाया, सारा काम किया। तो थोड़ा थोड़ा बर्डन मेरा लिफ्ट हो रहा था। फिर मैंने ये सारे काम करके ये डिसाइड किया कि अब मैं शार लूँगी। शार लिया और शार लेने के बाद मैंने पूजा किया। पूजा करते ये सब काम करते 7:15 हो गए थे। अब सब कुछ सही लग रहा है, मैं सार ले चुकी हूँ, पूजा कर लिया है, 7:15 टाइम हो रहा है, लेकिन अभी भी मैं अपने टेबल पर पढ़ने नहीं जा रही हूँ। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए कुछ खाने को बनाऊँगी एंड चाय भी बनाऊँगी, क्योंकि मैंने अभी चाय नहीं पिया और एक्चुअली बाहर में इतनी ठंडी है कि चाय पीना भी ज़रूरी है। तो मैं अपने किचन में आके और चाय बनने के लिए रखती हूँ, तो एक बार में मैं थोड़ा ज़्यादा चाय बनाऊँगी, थोड़ा सा पी के थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख दूँगी बाद में पीने के लिए। तो मेरी चाय बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब ये चाय बनाने की बात हो ही रही है तो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। मेरी मम्मी जो कि चाय की इतनी शौकीन है कि अगर तुम्हें कुछ भी होगा वो तुमको, मतलब अगर तुम उदास हो तो दुखी क्यों, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, अगर तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है तो बोलेंगे अरे कोई नहीं मैं चाय बनाती हूँ तुम दवा खा लो, कुछ भी होगा वो चाय बनाने के लिए हमेशा रेडी रहती हैं। और एक मैं, उन्हीं की बेटी, मैं चाय लिटरली अच्छा नहीं बनाती हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं जब घर पर थी गाँव में ही तभी चाय बनाना शुरू कर दी थी, तो अब कुछ पीने लायक चाय हो जाती है मेरी। चाय बना के लेके मैं अपनी टेबल पे आ गई, मैंने अपनी नोट्स निकाला बैग से जो कि मुझको काम था। उसके बाद फिर मैं देखा कि मुझे क्या पढ़ना है, किस चीज़ का मेरा टेस्ट है। पॉलिटी का टेस्ट था इसलिए ये फेमस बुक पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, इसको मैं अपने अलमीरा के ऊपर से उतारी और मेरे पास एक चॉकलेट केक भी पड़ा था उसको भी ले आई। अच्छा ऐसा होता है ना कि चॉकलेट खाने के बाद अचानक से सब कुछ सही सही लगने लग जाता है। तो आप भी अगर परेशान हो अपनी लाइफ में और कुछ सही नहीं हो रहा है तो अपने को ट्रीट करो ना यार,
अपने लिए चॉकलेट ले आओ, अपने लिए केक खरीदो, अपने लिए फ्लावर्स खरीदो, जिससे तुम्हें अच्छा लगे। और ये सब करते हुए मैं तुम्हें बस एक ही सलाह दूंगी कि ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना और हमारा काम है उन्हें अनसुना करना। तो लाइन पे लाइन आगे बढ़ते और एक एक कॉन्सेप्ट को वापस से रिवाइज करते और वही मेमोरी लेन में फिर से जाते। पॉलिटी जितनी बार पढ़ते हैं हमारा एहसास उतना अलग होता है। और जिस हिसाब से पॉलिटी 2023 का क्वेश्चन आया है, उस हिसाब से वो जो कहा जाता है ना कि लाइन पढ़ना तो ठीक है, लेकिन लाइन के बीच की बात समझना भी इम्पोर्टेंट है। तो पता नहीं क्यों मैं जैसे ही पॉलिटी इस बार पढ़ रही हूँ 2023 के एग्ज़ाम के बाद, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो इस लाइन से क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, ऐसा ना हो इस लाइन से क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। तो मैं ये कर रही हूँ, लेकिन अपने माइंड को एक सेकेंड थॉट दे रही हूँ कि ओके चलो हम इसको बाद में रिवाइज कर लेंगे। ओके, तो अभी 11th ऑफ जनवरी को मेरा पॉलिटी का टेस्ट है, तो पॉलिटी में मुझे जुडिशरी तक पढ़ना है, उसके पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, इतना सारी चीज़ें मेरे को पढ़नी है और इसी का टेस्ट है। तो उसी के लिए मैंने आज पॉलिटी उठाई है। ये पॉलिटी बुक मैंने पिछले कितने जब मेरी पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट हुई थी तब मैंने पढ़ी थी, उसके बाद से मैंने नहीं पढ़ी थी। तो आज मैं बैठी हूँ उसको पढ़ने के लिए। अब देखते हैं कितनी देर में इतने टॉपिक्स ख़त्म होते हैं। तो पॉलिटी का टेस्ट है तो पॉलिटी अच्छे से पढ़ना है, तो वही पढ़ रही हूँ, उसी के साथ साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर देखते हैं क्या क्या मैं पढ़ती हूँ, कैसे कैसे पढ़ती हूँ, आगे बने रहिए वीडियो में, मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो मैंने अभी बोला कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप कमेंट भी कीजिएगा, कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि कैसी चल रही है ज़िंदगी, क्या यू नो व्हाट हम बातें कर सकते हैं। मैं अपनी बातें अपने ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाती हूं, लेकिन आप नहीं बात कर सकते मुझसे, तो इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में आए और बताएं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी हम बातें करेंगे। और अब मुझको करना है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, बट मैं इसको अभी नहीं करूँगी। आई टेक ब्रेक नॉट फ्रॉम स्टडी, आई विल डू माई क्लासेस जो कि अभी करनी है मेरे को, मैं वो करूँगी एंड उसके बाद फिर मैं इसको पढ़ना शुरू करूँगी। मैंने चार चैप्टर कर लिया है, फिफ्थ चैप्टर है, तो चार चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो फिफ्थ चैप्टर अभी पढ़ूंगी और उससे एक शॉर्ट नोट्स भी बनाऊँगी, वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी, बट उसके पहले मैं चल रही हूँ क्लास करने। तो फिर चलते हैं और क्लास करते हैं। तो मैं अभी कर रही हूँ इकोनॉमिक्स की क्लास। एक्चुअली आज मेरी क्लास में है एक्सचेंज रेट पढ़ाया जा रहा है, तो एक्सचेंज रेट क्या होता है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एक्सचेंज रेट, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, नीर रेट क्या होता है। जैसा कि मैंने एक अपने पिछली वीडियो में भी बताया था कि नीर एंड रेट से क्वेश्चन आया था, तो बहुत ज़्यादा मतलब बात हो रहा था उसके बारे में, तो एक बार पढ़ लेना। वैसे अब वो सेम चीज़ पूछ लिए हैं तो इस साल सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट स्टिल फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप उसको देख सकते हो। और इतनी बातें बताते ही इस ब्लॉग का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम मिलेंगे नए ब्लॉग में।